ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। छतरपुर चौक बाजार में ई रिक्शा वाले की खुलेआम महिला ने पिटाई कर दी। ई रिक्शा चालक की गलती सिर्फ इतनी थी कि ई रिक्शा से महिला को छूकर निकल गया। फिर क्या था, महिला को गुस्सा आया और महिला ने ई रिक्शा चालक की बीच बाजार में पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने शामगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए किलगारी गांव पहुंचे। यहां अपने योजना की प्रगति का स्थल अवलोकन करते हुए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और योजना की बारीकियों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर किसान का सपना होता है कि उसके खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हो। हमारे राजनीतिक जीवन का भी यही सपना था, आज पूरा हो गया। जो एक अपना अपने बहुत ही बड़ी योजना इस क्षेत्र के लिए है, उसकी लागत करीब 1662 करोड़ की योजना है। 81,000 इसमें जो हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एक किसान का सपना होता है कि मेरे खेत पर पानी पहुंचे। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि उन्होंने इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर जो एक सपना किसान का होता है कि हमारा पानी पहुंच जाए, और सबसे बड़ा पानी ही उसका धन होता है। और आने वाले दिनों में अक्टूबर तक जब चंबल मैया का पानी किसानों को खेत में 35% जो माना जाएगा कि प्रतापपुरा तक अगर ये पहुंचेगा, और जिस दिन पानी किसानों के खेत पे पहुंचेगा, ये उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो काम किया गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारा जीवन भी यही जो लक्ष्य था कि पानी किसानों के खेतों तक पहुँचे, वो सपना पूरा होने के लिए आज यहाँ पर एक हमने सर्वे किया गया है। जल्दी से ये पानी खेतों तक पहुँचे, ये अधिकारियों से चर्चा की गई है, और जब निरीक्षण किया गया है तो आत्मा को बहुत अच्छी संतुष्टि मिली है। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को भी धन्यवाद। मंत्री जी का आज हमारी योजना के लिए निरीक्षण किया गया, वो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि हमारे जो कार्य है वो तीव्र गति से चल रहा है। सारे कार्य उन्होंने देखे और संतुष्ट हुए। हमारा जो लक्ष्य है इसको 2023 तक तो पूरी परियोजना को पूर्ण करना है, लेकिन इस बार जो रबी सीजन आएगा उसमें भी हम सिंचाई करें। लेट पूरी योजना जो लेट हुई है वो 2019 में बहुत ही भारी बारिश हुई थी, जिसमें हमारा ये जो पंप हाउस है डूब गया था। इसको खाली करके फिर से इसमें कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए हमको जो समय लगा उससे ये डिले, और बीच में कोरोना जो आया वो भी एक कारण था जो हमारी परियोजना। तो आज के समय में कीचड़ों से धार्मिक नगरी शिवरी नारायण लतपत है। नगर के गली मोहल्ले में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता बहुत ही त्रस्त है। वही जिम्मेदार अधिकारी और नेता अपने में ही मस्त है। स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन धारण करके बैठे। देखिए हमारा खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड की धार्मिक नगरी नगर पंचायत शिवरी नारायण के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में इन दिनों गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि नगर पंचायत शिवरी नारायण को स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ नगर का इनाम हाल ही में मिला है। आपको बता दें कि यह वही नगर पंचायत शिवरी नारायण है जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जो कि महानदी के तट पर स्थित है, जहां भगवान श्री राम और माता शबरी की महिमा को लेकर छत्तीसगढ़ का भव्य मेला भी लगता है। और इसी के चलते सरकार के द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ को लेकर करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत शिवरी नारायण के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों व कर्मचारियों के लापरवाही के चलते नगर की गलियों में गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। जहां नगर पंचायत शिवरी नारायण की गलियां कीचड़ों से लथपथ है और इनमें कीड़े बिलबिलाते हुए नजर आते हैं, साथ ही इस गंदगी से इतनी बदबू आती है कि अब लोग परेशान होने लगे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कई प्रकार की बीमारियों का शिकार भी होने लगे हैं। इसके बावजूद भी नगर पंचायत शिवरी नारायण के जिम्मेदार मौन हैं। बल्कि इस मामले को लेकर वार्ड क्रमांक 14 और 15 के नगरवासियों ने नगर पंचायत में कई बार शिकायत की है,
परंतु नगर पंचायत शिवनी नारायण के जिम्मेदार अधिकारी प्रशासन के नियमों को अपने पैरों तले रौंदे हुए हैं और नगरवासियों को गोल मटोल जवाब देकर बात को टालते हुए नजर आते हैं। अब अधिकारियों की करतूत के बाद स्थानीय निवासियों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ पर खेलने वेलने नहीं पाते, नली में पूरा यहाँ पर भर जाता है गंदा पानी और खेलने की जगह नहीं है हम लोग को और बदबू भी देता है। जड़ है बहुत, नाली नहीं बन रहा है और कई बार शिकायत भी किया नगर पालिका में जाकर और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जानवर की तरह इस घर सामने है और सामने में गड्ढा है और घर उधर है हम लोगों का, ऐसे में जिंदगी काट रहे हैं जानवर की तरह। आवागमन भी करते हैं और बच्चे लोग कीचड़ में भी फंस जाते हैं और बदबू देते रहता है, सांस लेने में परेशानी भी होती है। ये दे तो गंदगी में हवन पूरा पूछ कीड़ा उड़ा सब घुसा थे घर के अंदर में घुसा थे तो झाड़ू लगा थन फेंका थन सुपा में पूछ वाला कीड़ा ला। कई बार नगर पालिका जा चुके हैं हमन का, हाँ वही सफाई बोलते और ओकर बाद बोलते कि नीरज पंखज के हमन नहीं कर सकन वो बंद मना कर दे है। नारायण के 15 वार्ड में रहती हूँ और यही सामने मेरा मकान है और देखो ना अध्यक्ष ध्यान देता है ना पार्षद ध्यान देता है और इतनी गंदगी है कि मतलब बीमारी होने की संभावना बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। शाम के मच्छरों का परेशानी होती है, इस मतलब दलिद्दर से घरों में बांस आती है, सब देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ करते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता साफ सफाई का, पूरी नलियां जाम हो गई है। कहा जाए तो नगर प्रशासन आंखों में पट्टी बांधकर नगर पंचायत को चला रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर पंचायत के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं या फिर धार्मिक नगरी शिवनी नारायण की गंदगी यूं ही रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए जांजगीर से राधा कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस को लोगों ने बोरेबासी खाकर मनाया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम जनता से अपील की थी कि ये नया प्रयास सभी को काफी अच्छा लगा। इस पहल में जनप्रतिनिधि अधिकारी और आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही नहीं, अमेरिका में रहने वाले छत्तीसगढ़ वासियों ने भी बोरेबासी का स्वाद चखा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परम्परा और छत्तीसगढ़ी व्यंजन को बढ़ावा देने भरसक प्रयास कर रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ की मान सम्मान और वेशभूषा सहित छत्तीसगढ़ी भाषा को लगातार सम्मान मिल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़वासी छत्तीसगढ़िया होने का अभिमान भी महसूस कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने अनोखी पहल की शुरुआत की है। 1 मई यानी मजदूर दिवस को छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजन बोरेबासी को प्राथमिकता देते हुए मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी खाने का आह्वान किया गया जिसे पूरे प्रदेश में सम्मान के साथ बोरेबासी खाकर श्रम दिवस को मनाया गया। इसी कड़ी में बिलाईगढ़ क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी सहित आम नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना करते हुए बोरेबासी खाकर मजदूरों का सम्मान किया और मजदूर दिवस मनाया, साथ ही साथ बोरेबासी का गुण भी बताया। उल्लेखनीय है कि बोरेबासी के लिए रात में पके हुए चावल को रात भर पानी में भिगो कर रखा जाता है जो रात भर पूरी तरह से भीग जाता है, जिसके बाद सुबह होते ही भाजी टमाटर चटनी मिर्ची चटनी और प्याज बरी आम नींबू के अचार के साथ बड़े चाव और मजे से खाया जाता है। बताया जाता है कि बोरेबासी स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा के साथ ब्लड और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करता है। इसमें आयरन पोटेशियम कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसे खाने से पाचन क्रिया सही रहता है और शरीर को ठंडकता मिलती है। आप सब जाना था कि आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ ये छत्तीसगढ़ के बेटा होने के नाते हमारे मजदूर दिवस में बासी खाएबर को ले और नेतृत्व में आज सब छत्तीसगढ़ में सब संगवारी मन बासी खावा थे। कुछ सालों से भूल गए हैं इडली डोसा चाउमीन पिज्जा पास्ता में हमारे मुख्यमंत्री जी हाँ याद दिलाई से रहे कि यही मिट्टी में हमें जन्म ले हैं, यही मिट्टी ले हैं और यही में बढ़े हैं और एक यही मिट्टी में मिल जाबो ते कैसे संगवारी हो आज बासी खाबो। बोरेबासी की महत्ता अब छत्तीसगढ़ ही नहीं विदेश में रहने वाले छत्तीसगढ़िया लोगों ने भी विदेश में रहकर इसका स्वाद चखा है। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, मैं विभा श्रीसा हूँ न्यूयॉर्क अमेरिका से और 1 मई मजदूर दिवस को छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहन मिला गाड़ा गाड़ा बधाई को और बोरेबासी खावा जी और हरी के गु गावा जी
जय हिंद जय छत्तीसगढ़। बहरहाल भूपेश बघेल प्रदेश के ऐसे मुखिया हैं जिन्होंने प्रदेश की संस्कृति को आम जन तक पहुंचाया है। रफ्तार मीडिया के लिए बिलाईगढ़ से विजय सोनी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।